पिछोर पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब से भरी हुई टवेरा कार को माता टीला के पास चेकिंग के लिए दौरान जीरो प्वाइंट बॉर्डर पर पकड़ा एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध शराब अवैध मादक पदार्थ माफियाओं पर कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं। माता टीला के पास बॉर्डर जीरो प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक सफेद कलर की टवेरा कार रोकी। पुलिस को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में देसी और विदेशी शराब की पेटी पाई गई। SDOP प्रशांत शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी बाचरोन गांव का रहने वाला है, जो कि अवैध शराब का परिवहन कर रहा है, जिसके कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब और एक टवेरा कार जब्त की गई। जब तक सामग्री की कीमत लगभग 6,20,000 आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(2) का मामला दर्ज कार्यालय पेश किया गया है। सर, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से अवैध शराब और एक कार जब्त की है, क्या है पूरा मामला? ये मामला कुछ इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमारा एक स्टैटिक पॉइंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें कल रात को दौरान चेकिंग एक वाहन को चेक किया जा रहा था, तो उसमें ये 30 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी और शराब की कीमत लगभग 6,20,000 रुपये आंकी गई है। आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी कौन था, कहां से था, कुछ पता चला? जी, उसने पूछताछ पर अपना नाम नरेंद्र पुत्र सीताराम लोधी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है और जो यहीं बाचरण गाँव का रहने वाला है।